नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 2 की गणित की पुस्तक गणित का जादू के पाठ 10 अंक जोड़ो के नवाचार अभिनव शिक्षा तकनीक की गतिविधि शब्द सागर का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे शब्द सागर से समझेंगे। आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ अंक जोड़ो एक ऐसा पाठ है जिसमें बच्चों को अंक से अंक जोड़कर जोड़ने की क्रिया की जानकारी प्रदान की जाती है। इस नवाचार की नवीनता यह है कि इसमें छात्र सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ का पुनः अध्ययन करते हुए गतिविधि का आनंद लेते हैं, अपनी शब्दावली बढ़ाते हैं तथा अभिव्यक्त की कला को समझते हुए लेखन शैली को मजबूत करते हैं। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ के संकल्पना के पुनः अध्ययन के लिए पाठ पर आधारित चित्रों, शब्दों, वाक्यों, कहानी, कविता तथा मन की बात और समाचार के माध्यम से संख्याओं का जोड़ को दोहराया जाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि को यदि देखा जाए तो इसकी क्रियान्वयन के लिए 20 मिनट का समय रखा गया है। पूर्व प्रबंधन के लिए शिक्षक एक रंगीन चार्ट पेपर, एक बॉक्स और एक स्केच पेन की व्यवस्था करते हैं। साथ ही शिक्षकों को कुछ निर्देशों का पालन भी करना होता है, जैसे गतिविधि कराने से एक दिन पूर्व ही शिक्षक छात्रों को पाठ में आए हुए नए शब्दों, वाक्यों, कहानी, कविता, मन की बात, समाचार आदि से संबंधित शब्दों की पर्ची बनाकर लाने के लिए कहते हैं। छात्र पर्ची के पीछे अपना नाम व कक्षा अवश्य लिखते हैं। शिक्षक सभी छात्रों की भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं, साथ ही जिन छात्रों को शब्द व वाक्य को बोलने में कठिनाई है उनकी सहायता भी करते हैं। पुनः अध्ययन एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया के अंतर्गत पाठ से संबंधित नए शब्दों, वाक्यों से जुड़ी पर्ची बनाकर तथा पढ़वाकर संख्याओं का जोड़ को पाठ से दोहराया जाता है। गतिविधि को शुरू करने से पूर्व शिक्षक इस बात का ध्यान रखेंगे कि पाठ को पहले से पढ़ाया गया हो और उसकी व्याख्या भी की जा चुकी हो। शिक्षक बॉक्स को रंगीन चार्ट पेपर से सजवाते हैं जिससे कि गतिविधि में छात्रों की उत्सुकता बनी रहे। अब शिक्षक छात्रों से पूछते हैं कि आज हम एक खेल खेलने जा रहे हैं, इस बॉक्स के माध्यम से क्या आप तैयार हैं? तो सभी छात्र हाँ में उत्तर देते हैं। अब शिक्षक एक छात्र को पास बुलाते हैं और बॉक्स पर शब्द सागर लिखवाते हैं। इसके बाद शिक्षक छात्रों को बताते हैं कि आज जो हम खेल खेलने जा रहे हैं उसका नाम शब्द सागर है। इसके बाद शिक्षक छात्रों को खेल के नियम भी समझाते हैं। शिक्षक छात्रों से पहले से बनाकर लाई गई पर्ची को बॉक्स में डलवाते हैं। फिर एक छात्र आगे आता है और बॉक्स से पर्ची निकालता है। छात्र किसी अन्य छात्र की पर्ची निकालता है और उस पर लिखे हुए नए शब्द को पढ़ता है या अंक को पढ़ता है। जैसे माना कि पर्ची पर 25 और 10 का अंक लिखा है, तब छात्र बताएगा कि 25 और 10 की संख्या को जोड़ने पर 35 की संख्या होती है। इसी प्रकार दूसरा छात्र आता है, वह भी पर्ची निकालता है और उस पर लिखे हुए शब्द या अंक को पढ़ता है। माना दूसरे छात्र की पर्ची पर 20 और 10 संख्या लिखी है, तब छात्र पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर बताएगा कि 20 और 10 को जोड़ने पर 30 होता है। इस प्रकार एक एक कर सभी छात्र पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर पुनः अध्ययन करवा लेते हैं। अंत में शिक्षक छात्रों को बताते हैं कि आज हमने पाठ अंक जोड़ो के को नए नए शब्दों व अंक से के बारे में जाना व सीखा। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि शब्द सागर गतिविधि से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे 2 अंकों के साथ कार्य करते हुए 1 से 99 तक की संख्या को लिखना, पढ़ना, उनकी तुलना करना और उनके जोड़ आदि को समझते हैं तथा अपने स्तर और पसंद के अनुसार कहानी, कविता, चित्र, पोस्टर इत्यादि से पाठ का आनंद उठाते हैं। विभिन्न उद्देश्यों के लिए अपनी भाषा और स्कूली भाषा का प्रयोग करते हुए प्रश्न पूछना, तर्क देना एवं बातचीत करने की समझ को विकसित करते हैं। शब्द सागर गतिविधि से सभी छात्रों में शब्दावली व अंकों की का विकास होता है, साथ ही साथ सूक्ष्म और प्रत्यक्ष पहलुओं पर बारीक से अवलोकन भी करते हैं। इस गतिविधि से छात्रों में समान भागीदारी भी सुनिश्चित होती है और समान अवसर प्राप्त होता है। साथ इस प्रकार इस नवाचार में PRT अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया, साथ ही साथ NCF 2005 के उद्देश्यों का भी ध्यान रखा गया है।
यह नवाचार विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए भी उपयोगी है। साथ ही अंक जोड़ो पाठ को शिक्षक एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता तथा पारस्परिक संबंधों के जीवन कौशल मूल्य का विकास होता है। इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षण तकनीक को समझते हैं, तो कहा जा सकता है कि ये नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है। ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।